हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक त्यागी। और दोस्तों, अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो लेके चलते हैं आपको वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ वन वे स्लैब। अगर वन वे स्लैब है तो उसमें हमारा कितना सरिया लगेगा। हम किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में हम इंजीनियर हैं, तो जब भी हमारी स्लैब कास्ट होती है तो हमें सरिया ऑर्डर करना पड़ता है। सरिया ऑर्डर होता है उससे पहले हमें BBS बनाना पड़ता है। ठीक, BBS का मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है, इसमें हमारा BBS में ये होता है, BBS हम निकालेंगे कि हाँ कितना सरिया लगेगा, ठीक है, और कहाँ कहाँ लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम ये निकालते हैं, जैसे आपका ये है, ये आपका स्लैब का एरिया जो है 3000 mm, जो आपका इसकी चौड़ाई है, और 8000 mm लंबाई है। 8000 mm का मतलब 8 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, जो हम इसकी विड्थ ले रहे हैं, स्लैब की विड्थ जो ले रहे हैं वो 150 mm ले रहे हैं, यानी कि 6 इंच। ठीक है, अब जो है इसमें हमारा मेन बार, सबसे पहले हम इसमें गिवन डाटा देख लेते हैं। गिवन डाटा आपकी स्लैब की साइज क्या दे रखी है, 800 mm इंटू 800 mm करें, 8000 mm इंटू 3000 mm। ठीक, और आपकी थिकनेस कितनी है, 150 mm। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मेन बार। आपका मेन बार क्या है, मेन बार 12 mm का प्रोवाइड कर रहे हैं हम। कितने सेंटर पे, 150 mm सेंटर टू सेंटर इसकी डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, मेन बार हमने प्रोवाइड किया, ये देखिए। ठीक है, लॉन्गर स्पैन में, ये लॉन्गर स्पैन है। ठीक है, हम शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड किए हैं ऐसे। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm का, 10 mm का है आपका। ठीक है, इसका सेंटर कितना है, 150 mm सेंटर सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन बार ये आपका रहेगा। ठीक है, जो शॉर्टर स्पैन में, लॉन्गर स्पैन में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लॉन्गर स्पैन में ये प्रोवाइड किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बार, शॉर्टर स्पैन में आपका प्रोवाइड किया गया है मेन बार। ठीक है, जैसा कि आप हमारे एक वीडियो में देखे होंगे, क्लियर कवरिंग ऑफ, क्लियर कवर का एक वीडियो बनाया था जिसमें फुटिंग, कॉलम, बीम सबका क्लियर कवर मैंने बता रखा है। ठीक है, तो उसमें हमने ये भी दे रखा है कि आपका स्लैब जो होता है, स्लैब में क्लियर कवर कितना होता है। स्लैब में क्लियर कवर आपका जो है वो 25 mm होता है। ठीक है, 25 mm स्लैब में क्लियर कवर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, डेवलपमेंट लेंथ जो होता है, LD जो होता है वो 40D लेते हैं। 40D का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब हो गया आपका डाया बार्स। ठीक, अब टॉप एक्स्ट्रा बार जो होगा बोथ साइड में, टॉप एक्स्ट्रा बार जो प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पर, वो 10 mm का रहेगा, 150 mm सेंटर सेंटर। अब जैसे यहाँ देखिए, हमने सेक्शन काट लिया इसका। ठीक है, सेक्शन जब हमने काटा है इसका, तो आपका ये जो आ रहा है, ये मेन बार है, ये क्रैंक है, क्रैंक ऐसे गया, ये पूरा फिर स्ट्रेट है। ठीक, फिर एक क्रैंक इधर से मुड़ा है, ये क्रैंक मुड़े, फिर ये पूरा स्ट्रेट है। ठीक है, यानी कि ये दो स्टील बार हैं, और ये जो है आपका कौन सा बार है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ठीक है, ये आपका मेन बार है, ये जो दिख रहे हैं, ये आपका 1, 2, 3, ये जो दिख रहे हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो आपका ऐसे है, लॉन्गर स्पैन में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है। अब लेके चलते हैं आपको कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्टील निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, निकालेंगे पहला जो है मेन बार का। ठीक है, ये आपका मेन बार का निकालेंगे। शेप ऑफ बार क्या है, आपका शेप ऑफ बार ऐसे है, फिर ये स्ट्रेट है। ठीक है, स्पेसिंग कितना दे रखा है हमने, स्पेसिंग है आपका 150 mm। ठीक है दोस्तों, डाया बार्स मेन बार में हम 12 mm का डाया इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे, ठीक है,
तो नंबर आप बाहर निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं शॉर्टर स्पैन में, तो आपका ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 8000 mm, ठीक है। तो हम ले लेंगे आपको, ये 8000 mm, ठीक। तो आपका क्लियर स्पैन ये आपका है नंबर ऑफ बार इक्वल टू, ये हम बात कर रहे हैं मेन बार की, ठीक है। नंबर ऑफ बार 8000, क्लियर स्पैन अपॉन स्पेसिंग और प्लस का 1, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर दिए तो ये आपका आ जाएगा, मैं आपको करके बताता हूँ। ये आपका आएगा 53.33 प्लस का 1 इक्वल टू आपका हो गया 54, ठीक है। यानी कि इसको मान लेंगे कि हम 55 नंबर ऑफ स्टील बार लगेगा, ठीक है। अब 55 नंबर ऑफ स्टील बार लगेगा, अब निकालते हैं मेन बार की बात करें, अब निकालते हैं हम कटिंग लेंथ, ठीक है। कटिंग लेंथ, ठीक है, किसका, मेन बार का लेंथ, मेन बार का ही है, ठीक है। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपका जो कटिंग लेंथ जो है आपका कितना है, कटिंग लेंथ जैसे कि आप डायग्राम दे रहे हैं देख रहे हैं कि ये आपका कटिंग लेंथ है, तो 3000 mm तो यही हो गया आपका, ठीक है। तो 3000 mm प्लस, ठीक। अब जैसे कटिंग लेंथ का हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, ये आपका हो गया कटिंग, ये आपका स्ट्रिप हो गया, ठीक है, ये स्ट्रिप कर रहे हैं सॉरी स्टील बार हो गया, ठीक है। अब इसमें हम निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है आपका 3000 mm, ठीक। अब 3000 mm, तो 3000 mm ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या है, अब देखते हैं हम किसी के, ये आपका बीम है, बीम के इधर भी हम थोड़ा लेते हैं स्टील बार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये बीम है आपका, बीम के अंदर भी लिए, तो इसको हम LD बोलते हैं, ठीक, डेवलपमेंट लेंथ। तो LD हमारा, LD कितना होता है 40D, हमारा LD कितना है। अब लेंगे तो हम अगर डेवलपमेंट लेंथ ले रहे हैं तो दोनों साइड में ले लेंगे, बोथ साइड में, इधर भी बीम पे ले जाएंगे और इधर भी बीम पे स्टील ले जाएंगे, तो दो साइड में, तो 2 × 40D, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम इसकी, ये निकालते हैं जो, ठीक, ये दूरी, ये हमारा जो होता है ये होता है प्लस 0.42 H, H का मतलब ये दूरी, ठीक है, ठीक है। अब ये कितना है ये हम निकालते हैं, H का मतलब ये हाइट, ठीक। H बहुत आसान है निकालना, H हम निकाल लेते हैं पहले, H इक्वल टू होता है आपका टोटल थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ कितना, स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब कितना होगा 150 mm। अब थिकनेस स्लैब हो गया, अब जो है इसके ऊपर ये आपकी स्लैब पड़ रही है, ठीक है। अब ऊपर का 25 mm कवरिंग और नीचे का 25 mm कवरिंग, ठीक। तो कवरिंग कितना हो गया 2 × 25, ठीक है। अब स्टील बार, डाई ऑफ स्टील बार माइनस, अब इसमें माइनस कर देंगे हम डाई ऑफ स्टील बार भी, ठीक है। तो आप इसको माइनस करके देख लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 88 mm, ठीक है। 88 mm आपका कितना आ गया, एच आ गया। तो अब वैल्यू रख देते हैं हम इसमें, तो वैल्यू रख देते हैं कटिंग लेंथ में, कटिंग लेंथ तो आपका 3000 प्लस का, और इसको भी रख देते हैं, इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई आपकी, डायग वैल्यू 12 होती है, 12 mm है, तो 2 × 40 × 12 प्लस का 0.42 ×
आपका कितना था, एच कितना है, 88 mm, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी एक और है, इसमें माइनस करेंगे क्या, ये आपका बेंट अप, बेंट, ये आपका बेंट, ये बेंट कितने पर हो रहा है, 45 डिग्री पे बेंट हो रहा है, ठीक है, बेंट, ठीक। तो हम माइनस कर देंगे, बेंट कितना हो रहा है 45 डिग्री पे, दो बार हो रहा है, कितनी बार, दो बार, 2 × 1D, तो 2 × 12, ठीक है। अब हम जब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आएगा 3972.96, ठीक है, 3972.96। तो इसको मान लेंगे, ठीक है, कि आपका 3973 mm आपका कटिंग लेंथ आ गया। अब टोटल कटिंग लेंथ निकाल लेंगे हम, टोटल कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ इक्वल टू हो गया 3973, ठीक है, इनटू आपका कितना आया था, नंबर ऑफ स्टीरअप एंड नंबर ऑफ बार 55, तो आपका 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आया है, 21 mm, ठीक है, इतना mm आया है आपका। अब इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेते, तो इसको मीटर में हम चेंज करेंगे तो आपका 85/15/1000 कर देंगे, ठीक है। तो हम कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 218.51 मीटर, ठीक है। अब इसका हम वेट निकालना होगा, तो वेट का निकालने का जानते हैं आप, फार्मूला जानते ही हैं कि वेट का फार्मूला होता है D² / 162 × लेंथ, ठीक है, ये आपका वेट निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो वेट निकाल लेंगे तो आपका D² कितना है, कितने mm का सरिया यूज कर रहे हैं हम, 12 mm का, ठीक है, मेन बार कितने mm का है, 12 mm का है, ठीक। तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे upon 162 × लेंथ, कितना है आपका 218.51 मीटर, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे दोस्तों, इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा 194.23 kg, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक। तो अब इसको हम नोट कर लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ बार आपका 55 आया है, कटिंग लेंथ कितना था, कटिंग लेंथ आपका था 3973 mm, कटिंग लेंथ 3973 mm, टोटल कटिंग लेंथ कितना हो गया आपका, 218.515 mm, ठीक। अब ये कितने 12 mm का था, तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे, यहाँ पर मीटर में चेंज कर लेते हैं 218.515 मीटर, ठीक। इसका वेट कितना आया है, वेट इसका आपका आया है 194.23 kg, ठीक। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन बार का, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी स्ट्रेट पूरी रहेगी, ठीक। इसमें भी सेंटर स्पेसिंग कितना है, 150 mm है। कितने mm का सरिया इस्तेमाल करें डिस्ट्रीब्यूशन बार में, आप देख सकते हैं इसमें दिया है 10 mm का, ठीक है। अब नंबर ऑफ बार निकालते हैं, आप देख सकते हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक। ये प्रोवाइड किया, नंबर ऑफ बार निकालने के लिए ये हम विड्थ लेंगे, चौड़ाई लेंगे, और इसमें ये आपका क्लियर स्पैन हो गया, और इसमें सेंटर स्पेसिंग से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्लियर स्पैन कितना हो गया, तो नंबर ऑफ बार निकालेंगे, नंबर ऑफ बार किसके लिए है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नंबर ऑफ बार कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3000/150 + 1, इसको काट देंगे
तो आपका कितना हो गया 20 प्लस का 1 इक्वल टू 21 नंबर ऑफ बार। ठीक, अब कटिंग लेंथ इसका निकाल लेंगे। कटिंग लेंथ काफ़ी इजी है इसका निकालना, डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि इस वीडियो में डायग्राम में कि आपका यहाँ से और यहाँ तक दूरी कितनी है 8000 mm। ठीक, और आपका ये जो निकला है बीम पे जो गया वो LD है आपका। ठीक है, LD के दोनों साइड में है। ठीक है, तो आपका लेंथ कितना है, स्पैन कितना है 8000 mm। ठीक, ये आपका जो प्रोवाइड किया गया है ये आपका स्टील बार जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार वाला, तो ये प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये आपका बीम के अंदर आया LD। ठीक है, तो 8000 प्लस डेवलपमेंट लेंथ दोनों साइड में आपका स्टील बार निकाला जाएगा बीम पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो प्लस का 2 × 40 × D। डी क्या है अब, प्लस 2 D आपका डाया बार से इसमें कितना इस्तेमाल करें डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm का। ठीक है, तो × 40 × 10 तो ये आपका हो गया 88,800 mm। ठीक है, अब टोटल लेंथ, अब टोटल कटिंग लेंथ निकाल लेंगे हम। टोटल कटिंग लेंथ इक्वल टू हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूशन बार का नंबर ऑफ कटिंग, नंबर ऑफ बार कितना है 21। ठीक है, तो 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो आपका आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी आपकी 184,800 mm। ठीक है, इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे डिवाइडेड बाई 1000 तो आपका आ जाएगा 184.8 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब kg आपका वेट निकालने का फार्मूला आप जानते ही हैं। ठीक है, कि d² / 162 × टोटल लेंथ। ठीक, तो d² डाया बार क्या है आपका 10² / 162 × 184.8 मीटर। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे हम 114.07 kg। ठीक, अब हम नोट कर लेते हैं इसको, तो आपका नंबर ऑफ बार कितना है इसमें 21 है। ठीक, कटिंग लेंथ कितना आया है, कटिंग लेंथ आपका आया है 8800 mm। ठीक, टोटल कटिंग लेंथ कितना आ गया आपका, टोटल कटिंग लेंथ जो आया है वो आपका 184,800 mm आया है। ठीक, अब इसको ये कितने mm का है, ये 10 mm का है। ठीक है, तो 10 mm का है, 10 mm में इसको हम लिख लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 10 mm का है, तो 10 mm में इसको मीटर में चेंज करके यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक, तो मीटर में चेंज कर लिया तो अब कितना आ गया 184.8 मीटर आ गया। और इसका वेट निकाला हमने, इसका वेट निकाला तो वेट कितना आया आपका 114.07 kg। ठीक है, अब आ गई बात एक्स्ट्रा बार की। ठीक है, एक्स्ट्रा बार, ठीक है, अब एक्स्ट्रा बार जो होगा, एक्स्ट्रा बार भी आपका पूरी तरह से स्ट्रेट रहेगा। ठीक, इसमें भी स्पेसिंग 150 mm रहेगी, डाया बार 10 mm का ही इस्तेमाल करेंगे। अब नंबर ऑफ बार निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं वो क्रैंक के ऊपर ये जाता है आपका, ये जो आपका है ये एक्स्ट्रा बार है। ठीक, ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, लॉन्गर स्पैन में जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बार कितना लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए एक्स्ट्रा बार डालने का फॉर्मूला, जो क्रैंक मोड़ते हैं हम, तो क्रैंक ये देखिए क्रैंक के ऊपर आप देख सकते हैं, क्रैंक के ऊपर ही ये एक्स्ट्रा बार डाला गया है। ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा बार इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्रैंक मोड़ते हैं तो कितने mm पर मोड़ते हैं, तो उसका भी एक निकालने तरीका होता है, जो होता है हमारा एक्स्ट्रा बार नंबर ऑफ
एक्स्ट्रा बार। सबसे पहले एल बाई फोर पर हम क्रैंक मोड़ते हैं, एल बाई फोर, तो आपका एल कितना लें, ये कितना है आपका 3000 mm, ठीक है, तो हम ले लेंगे 3000 mm डिवाइडेड बाई सेंटर सेंटर स्पेसिंग 150 mm है, तो 150 mm ले लेंगे, ठीक है, सॉरी सेंटर सेंटर स्पेसिंग नहीं, 4 लेंगे, ठीक है, सॉरी, इसमें लेंथ आपकी हो गई और 4 डिवाइड बाई 4, तो इसको आप डिवाइडेड कर देंगे तो आपका आएगा ये 750, ठीक है। अब नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया ये वाला स्पैन, ये वाली दूरी आ गई कि हम क्रैंक कितना mm ले रहे हैं, क्रैंक कितना mm फोल्ड कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, ठीक है, बेंट कर रहे हैं, ठीक, तो आपका 750 ये हो गया। अब इसमें स्पेसिंग क्या है, 150 mm है, ठीक है, अब प्लस का 1, ठीक, तो आप इसको डिवाइडेड कर लेंगे तो आपका ये 6 नंबर ऑफ बार आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार जो है एक साइड में प्रोवाइड करेंगे नहीं, ये बोथ साइड में प्रोवाइड करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, यानी कि आप एक्स्ट्रा बार जो जाएगा वो ऐसे इधर भी जाएगा, इस क्रैंक पे भी जाएगा और एक्स्ट्रा बार इस क्रैंक पे भी जाएगा, ठीक है, टॉप में, ठीक, तो बोथ साइड में, तो एक साइड का आपका निकल के आया है कितना 6 नंबर ऑफ स्टील बार, तो दोनों साइड का कितना हो गया 12, ठीक है, तो आप नंबर ऑफ बार 12 हो गया, ठीक है। अब कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ का आपका जितना डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ है ये उतना ही आपका इसका भी एक्स्ट्रा बार का भी कटिंग लेंथ आएगा, तो इसका भी कटिंग लेंथ कितना आ गया 8800 mm, ठीक। अब टोटल कटिंग लेंथ निकाल लेंगे, तो टोटल कटिंग लेंथ आपका आ गया 1,56,000 mm, ठीक है दोस्तों। अब इसका मीटर में 10 mm का ही प्रोवाइड कर रहे हैं कटिंग एक्स्ट्रा बार भी, ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज कर लिया हमने, तो 105.6 मीटर आ गया, ठीक। अब इसका वेट निकाल ले, तो इसका वेट निकालने के बाद इसका वेट आ जाएगा आपका, देख सकते हैं 65.18 kg, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये आप जानते हैं कि ये फार्मूला होता है जो वेट निकालने का, डी स्क्वायर अपन 162 इंटू एल से, ठीक है, इसी फार्मूले से आया है इसका वेट, ठीक है दोस्तों। अब टोटल वेट निकाल लेंगे, टोटल वेट इसको हम ऐड कर लेंगे, टोटल वेट अगर 12 mm का निकालेंगे तो 12 mm का केवल यही रहेगा आपका कितना 194.23 kg, 23 kg, ठीक है, इसको ऐड, और ये 10 mm का जो है उसको ऐड करने के बाद आपका आया है टोटल 179.251 kg, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, नीचे इसका टोटल वेट भी कर सकते हैं, या आपका एक और कॉलम बना लेंगे, ठीक है, उसमें लिख देंगे 12 mm का टोटल वेट और जो है 10 mm का टोटल वेट, ठीक है, 10 mm का जो है आपका ये इतना मंगाना पड़े 179.251 kg और 12 mm का आपका 194.23 kg, ठीक है, ये आपका स्टील बार मंगाना पड़ेगा इतना, ठीक है, ये आपका स्टील बार है, ठीक है, इतना मंगाना पड़ेगा, ठीक, ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे वाकई नॉलेज मिली हो तो इससे लाइक करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों, ठीक, थैंक यू दोस्तों।